आजकल हमारे मुआशरे में मियां बीवी के झगड़े होने पर पुलिस में कंप्लेंट दी जा रही है, जिससे केस दर्ज होने पर दो घर बर्बाद हो रहे हैं। इसी वजह से मियां बीवी के झगड़े और दो फैमिली के जिंदगियों के बारे में सोचते हुए राजेंद्र नगर पुलिस की जानिब से फैमिली काउंसलिंग सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया, जिससे मियां बीवी अपने झगड़ों को लेकर यहां आकर बता सकते हैं। ये काउंसलिंग महीने में 4 बार की जाती है। अगर मियां बीवी के झगड़ों का यहां पर कोई नतीजा ना निकलने पर तब पुलिस केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई करती है। कमिश्नर ऑफ पुलिस संदीप शंडिला की जानिब से फैमिली काउंसलिंग सेंटर अमल में आया, जहां मेहमान खुसूसी में एमएनसी स्वामी गोड़ और एमएलए प्रकाश गोड़ ने शिरकत की। इमरोज खान के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। हमारे महाराज को मेरे को लड़ाई हो गई थी मैडम, मैडम समझाए जाना, कॉम्प्रोमाइज कर रही मैडम, मैडम हमारे को समझाया अच्छा रहे जिंदगी कैसे रहती मालूम होना तुम लोगों को, क्या बहुत बहुत शुक्रिया मैडम का, कैसा रहना कैसा करना सब बताए मैडम, सब मेंबर्स को भी अच्छा रहना बोल के बोले मैडम, अच्छा रहना पान सिंह बोल के बोले, अच्छा रहना आपका संसार बोल के बोले, जो हमारा काम प्रेमेंस कर लिए हम लोग, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। अगर डिस्प्यूट आता छोटे छोटे चीज़ों पर जो डिस्प्यूट आए जो है लोग पुलिस स्टेशन के तरफ भागना शुरू करते हैं, पुलिस स्टेशन को आने के बाद अपने मर्द के ऊपर और मर्द आके केसेस के ऊपर कंप्लेंट कर लेके केसेस बना लेके बच्चों को छोड़ने का नौबत आ गया। आज जो ये काउंसलिंग सेंटर पद्मजा डीसीपी मैडम के नेतृत्व में जो काउंसलिंग सेंटर खोला गया, यहाँ पर जो है वो दोनों को मिसेस और हस्बैंड को दोनों को समझा जाता, अगर तुम लोग लड़के अगर ये आपका फैमिली अगर डिवाइड हो गया तो बच्चों को देखने वाले कौन है, बच्चों का जिंदगी क्या है, बच्चों को खराब करने का उसको फुटपाथ पे लाने का अधिकार आप लोगों को है क्या? अगर बच्चे ऐसा रोड पे आए तो कल के दिन बच्चे क्या बनेंगे, चोर बनेगा, गुंडा बनेगा, इसलिए कोई देखभाल करने वाले कोई नहीं है, इसलिए बच्चे जो है कल के दिन ये देश को और ये तेलंगाना राज्य को जो है बोझ बन जाता है, इसलिए काउंसलिंग सेंटर में हमारे शरद चंद्रा साहब उनका टीम यहाँ पर पूरे एडवोकेट्स आके अगर केस बनाए तो क्या होता, कितने दिन चलता, कितने दिन चलने के बाद बीवी जीने के लिए हस्बैंड को कितना देना पड़ता, देता या नहीं देता, 6 साल चलने के बाद केस चलने के बाद क्या हालत होगा, इसीलिए ये काउंसलिंग सेंटर रखा गया। ये काउंसलिंग सेंटर में ये भी समझाया जाता, टीवी सीरियल देखने से, एक सीरियल देखते टीवी में बहू को कैसा टाइट करना, सास कोशिश करते सास को कैसा टाइट करना, बहू सोचते रहता मगर उन्हें देखता एक एपिसोड, पूरा सीरियल देखे तो उसमें समझ में आता अच्छी चीज मगर पूरा देखते नहीं, एक सीरियल देख के जो है बहू टाइट करने कोशिश करके बेटे को समझा देता, तेरे बीवी जो है रात को 12 बजे आ रहे बोले तो वो जो दुबई में रहता काम करने के लिए दूसरा स्टेट में जाता, वो उनको दिल में एक कोट पैदा होता उसको कैसा भी है बीवी को तलाक देना, अगर तलाक दिए तो क्या होता, कल के दिन उनका बच्चे किसके ऊपर आधार पर जिंदगी गुजारना, बच्चों को रोड पे लाने का अधिकार अपने कहे क्या, ये समझाने के लिए यहाँ पर पूरा टीम जो है यहाँ पर आके बैठकर, बेटा मेरा भी एक बेटी है तो ऐसा करने से तेरे बच्चे क्या हालत होगा, तेरी जिंदगी क्या हालत होगा, वो मर्द को समझाते अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो तुम कहाँ से जिंदगी आते, तेरे जिंदगी जरे जान किधर से आया, माँ ही तेरे को जन्म दिया, माँ तेरे को जब जन्म दिए, तेरे भाई को जन्म दिए, तेरे बहन को जन्म दिए, तेरे बहन जो दूसरा घर में संसार अच्छा कर रहा, तुम्हारे जीजा जी अच्छा देख ले रहे, तेरे तू क्यों नहीं देखता, ऐसी चीज जो है हाथ पकड़ के उनको समझा के गुजरा के उनका जिंदगी उनका फैमिली खड़ा करने के लिए जो कोशिश कर रहा है यहाँ पर पद्मजा मैडम शरद चंद्रा टीम को मैं इसलिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जिंदगी बचाना है, एक फैमिली को खड़ा करना, ये देश को बचाना है, ये राष्ट्र को बचाना है, तेलंगाना चोरों से बचाना है, गुंडों से बचाना है, क्यों बोले तो अगर बच्चों को रोड पे छोड़ दिए तो वो फुटपाथ में सोके पब्लिक गार्डन में सोके रात में चोर बन जाता, उन्हें खाने के लिए कुछ भी करना पड़ता उसको, इसीलिए ऐसी चीजों से हमारे ये काउंसलिंग सेंटर अच्छा
काउंसलिंग करके, उनको समझा के, उनको बुझा के, उनके पेट में मुंडी डाल के समझा के उनको घर बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं इसलिए हमारे राजेंद्र नगर ACP साहब को या हमारे साइबराबाद कमिश्नर को, ACP को और CI को, पद्मजा मैडम को, पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये जिंदगी बचाने के जो कोशिश आप कर रहे हैं, आई एम वेरी थैंकफुल अबाउट दी पूरा स्टाफ एंड ऑफिस मेंबर्स। थैंक यू वेरी मच। सच की तलाश का नाम ग्रैंड टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।